ठीक है डाल दिया आपको आपको पता है कहाँ हुए थे तू बता अपने आप अपनी जर्नी घर बैठ जाओ ना ना उसका भी जरूरी नहीं तो वो नहीं दिखेगा नहीं से बताने बता 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 मैम सब कुछ बहुत अच्छा था बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हम लोग सारी जगह पे जाके यहाँ साल हो गए थे शादी को मेरी शादी को 4 साल पूरे हो गए थे उसके बाद मैं IVF के लिए ट्राई करने IVF के लिए नहीं पहले तो IUI 2 बार करवाया वो जब फेल हुआ तो उसके बाद IUI भी मैंने करा दोनों बार हाँ आप ही ने किया था आप ही के पास मतलब तुमने अपना विश्वास नहीं खोया है ना नहीं नहीं दो बार IUI आपने बोला कि अब तो IVF के लिए ट्राई कर लेंगे आप ही ने बोला था हमें सजेस्ट किया था कि 3 बार करवा ले IUI उसके बाद फिर IVF पे आना तो मैंने फिर 2 बार ही करवाया फिर आपने बोला अब अगर करवाना चाहो तो IVF करवा लो तो फिर हमने IVF करवाया पहले साइकिल में ही प्रेगनेंसी आ गई थी पर सिंगल ही था बेबी लेकिन बहुत हैप्पी थे हम लोग सेटिस्फाइड है ये बिटिया हो गई अब सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है ना आपसे कई लोगों ने बहुत सारे मतलब वैसे मैसेजेस भी दिए कि वहां मत जाओ अब ऐसा तो मैंने कहा नहीं हमें तो पूरा इंटरेस्ट है और हमने नहीं कई लोग ऐसा बोल रहे हैं मतलब कुछ ऐसे केसेस हुए हमने कहा हमने तो नहीं देखे अब लोग क्या केसेस हुए कुछ केसेस बिगड़ एक हमारे साथ एक कीर्ति थी उसका भी केस हुआ था कि मतलब उसको जब क्या हो गया था यार उसको कुछ नहीं है वो कीर्ति तो सही थी दोनों बच्चे हुए थे मैंने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हो मैंने सोची यार नहीं नहीं चले बेचारे को आपकी वाइफ जो है दोनों बच्चे लेके आ रही है तो पहले बच्चे नहीं हुए थे मैंने मरने के बाद तो अलग सिस्टम होता है ना कोई प्रॉब्लम आती है सीरियस प्रॉब्लम आती है कभी कोई ना कोई ज़रा सोच ले ऑपरेशन टाइम में बीपी बड़े कुछ हो जाए क्या कर सकते हैं मैम शायद कुछ बीपी वगैरह बढ़ गया था या कुछ ऐसा हुआ तो हो सकता है उसमें क्या बात है और मुंह से शायद कह रहे थे कि क्या होता हमारा बेबी हुआ हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं तो उन्होंने नहीं भर्ती किया आपके प्रॉब्लम होगी तभी भेजा ना ट्विन्स है तो डेफिनेटली कम वजन के होंगे यूजुअली कमजोर हो जाते हैं क्योंकि कई बार बच्चेदानी नहीं रख पाती है उनको पूरे टाइम तक है ना और मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर 3 आए 2 कम करा लो मैं तो कहती हूँ 1 चलो सेफ चलो तो पेशेंट खुद लालच में कम नहीं कराता अगर मेरे 2 भी आते मैं तो एक ही रखती हूँ लालच में पेशेंट खुद कम नहीं कराता उसके बाद मतलब लिमिट है किसी बात की आपको सब कुछ अच्छा नहीं हमने कहा नहीं बात हुई तो बोले कि आप सेकंड टाइम वहां मत जाना हमें तो पूरा ट्रस्ट हम वहीं जाएंगे हमने कहा हम गए भी हैं जाएंगे वहीं पर वहीं कराएंगे जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है हमारा काम प्रयास करना होता है मैम आप जाओ तो प्रीति मैम के पास जाओ हमें पूरा 100% विश्वास है यहाँ तक कि डिलीवरी भी भेजी थी हमने वहाँ पे उसकी प्रिंस के वाइफ के हमें तो वहीं जाओ कहीं नहीं जाना नहीं बिल्कुल भेजते हैं मैम तो डॉक्टर कितना हमसे अटैच हो रहा है आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो सारी चीजें देखते हो और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पेशेंट को पेशेंट ही समझते हैं मतलब बहुत सारी जगह मैं भी गई हूँ तो बस यही हुआ है कि वो पेशेंट को पेशेंट ही समझते हैं लेकिन आपका ये ऐसा लगता है और जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं हमारा काम सिर्फ उनसे डील करना होता है सारी चीजें बिल्कुल उसमें हमारा कुछ वो नहीं बताते हो कि हाँ ऐसा तेरे साथ हो रहा है ऐसा कर लो अब ये बेस्ट है मैंने तेरे को ये बोला था ना बाद में मैंने सोचा यार मुझे पॉजिटिविटी रखने तो देनी चाहिए थी लेकिन मेरे को लगा कि यार मैं बता दूं क्या पता मैं बाद में भूल जाऊं इनको मैंने बताया था जब प्रेगनेंसी आई तब बताया था बाद में नहीं बताया अच्छा किया नहीं लेकिन मैं ये बहुत बार रियलाइज करती हूँ कि मैंने क्योंकि मेरे को एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने बोला कि एम्ब्रियो बहुत अच्छा नहीं है अगर बाय चांस नहीं होगी तो फिर उनको डोनर के लिए समझा देना तो मैंने कहा एक बार मैं बता दूं फिर मैंने बाद में रियलाइज करा कि नहीं क्योंकि देखो होप से भी बहुत फर्क पड़ता है तो आई शुड नॉट हैव टोल्ड हर एट दिस टाइम पर मुझे लगा नहीं मुझे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए मुझे बता भी देना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ बेस्ट करना है दैट्स इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और सही बात है ऊपर वाला ऐसे लोग जैसे तुम कह रहे हो जिसने ऐसे ऐसे करा
मतलब मुझे तो समझ में आता है कि आपके पास पॉजिटिव कमेंट है तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली होंगे, हर जगह है, आप को हैप्पी नहीं रख सकते, डेफिनेटली आप सबको खुश नहीं रख सकते, और उनको तो दो बीबी आपके यहाँ से मिले मिल गए तभी ये हालत है, तभी ये हालत है, आपके यहाँ से गई है सारी चीजें, अगर आपका केस बिगड़ा तो उन्होंने संभाला, आपको ये सोचना चाहिए शायद मैं कहीं और होती या कुछ और हो जाता, होता है बहुत लोगों को, हमारी बॉडी है उनकी नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने साइड से बेस्ट ही करेंगे बस, वो तो ठीक है मैम, सब लोग नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी आती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद किसी संभाल पाते हैं, इसी लाइन में सामने की बात है, घटनाएं घटते हैं कि डिलीवरी हुई नहीं है और आधा घंटे बाद प्रॉब्लम हो जाए, वो जच्चा बच्चा नहीं बचा, कभी ऐसा होता है मदर एक्सपायर हो जाती है, बेचारा जो पैदा हुआ वो रह जाता है, प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं, क्या है पता नहीं पड़ता, बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, कई बार नहीं समझ आता है। अभी मैम लास्ट वीक का केस है हमारे यहाँ श्रीनगर का, हम लोग वहीं थे, वो उन्होंने कहा है कि आप बच्चे को ले जाइए, यहाँ से ले जाइए आप डिस्ट्रिक्ट ले जाइए, मतलब दिक्कत आ जाएगी, प्लग कई प्रॉब्लम थी उसके अंदर, लेकिन उनके फादर जो हस्बैंड थे कहीं यहाँ फोन लगा रहे वहाँ फोन लगा रहे, हम ये कर दो, मैंने भाई तू बाद में करना कुछ, सही बात, पहले तू बचाओ, मैंने अपने पहले बचाओ दोनों को, पहले ये बच जाए तो कुछ सही है, नहीं बचाए तो कोई इशू नहीं है, देखो यहाँ कुछ नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट है, आप क्या करो, किसने किया, वो तो लिख के आपसे मांग ले लिया ना कि आप हमने इनको रेफर कर दिया है, अब आप लेके जाओ ना लेके जाओ, सही बात है, हम भी आपके एम्बुलेंस भी आए खड़ी है बाहर, वो भी आपका वेट कर रही है, लेकिन नहीं, इसी चीजें, धन्यवाद, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।